तो यार जब छक्के लगे हैं ना तब इंडिया वालों के रिएक्शंस आपको देखने चाहिए थे। आकाश चोपड़ा के तो मुंह से बात नहीं निकल रही थी। तो अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आप सबका? उम्मीद करता हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। तो भाई लड़के अपने जीत गए हैं, क्या मैच हुआ है यार! वो लेवल का मैच हुआ जिसे कहते हैं ना, फैंटास्टिक गेम, थ्रिलर गेम, इससे ज़्यादा थ्रिलर मैंने नहीं देखा। और पाकिस्तानियों ने तो भाई कसम खाई हुई है कि ना हार्ट अटैक दिए बिना ना मैच जीतना ही नहीं है। कसम से इतनी टेंस सिचुएशन थी, क्या बताऊँ। और जो छक्के मार गया लड़का, ओए होए नसीम शाह, आह गुस्सा दिलाओगे तो यार फिर यही होगा ना, जैसे उसने आसिफ के साथ किया या जो भी किया, लड़के गुस्सा आ गया, उसने अपना गुस्सा यहाँ पे निकाला। यार सबसे अच्छा वे यही है ना गुस्सा निकालने का। ओए होए मुँह देखने वाले थे अगवानियों के ना, मुँह से निवाला छीन लिया यार, लेवल हो गया, लड़के ने कमाल किया। ओहो लेवल। तो भाई फाइनल में चले गए हैं, इंशाल्लाह फाइनल भी जीतना है, और एशिया कप अपना है, एशिया पे अपना राज होना है। तो यार अब कर लेते हैं थोड़ी ना मैच की बात। तो पाकिस्तान ने टॉस जीता था, जो टॉस जीतता है वो मैच भी जीतता है। अभी तक यही जो है ना हर सिचुएशन जो है ये चल रही है। टॉस जीत के एज़ यूजुअल बॉलिंग की, बॉलिंग के अंदर पहले तो उनके ओपनर्स जो हैं थोड़े एग्रेसिव नज़र आए, लेकिन फिर जो है हारिस रऊफ ने विकेट ली और फिर आ जाके नतीजा जो निकला वो था जी 129 पे ऑल आउट। 129 यार इतना बड़ा टारगेट नहीं है, मैं भी रिलैक्स था कि अफगानिस्तान के ख़िलाफ़ 129 हैं तो कोई नहीं, रिलैक्स है, आराम से चेज़ हो जाएंगे। मैं अपनी से बताऊं तो मैं भी जो है ना मैच मैं नहीं देख रहा था, जब हुआ है मैं अपने मोबाइल पे लगा हुआ था, यार आराम से चेज़ कर लेंगे। फिर वो बाबर आउट हुआ, बाबर की तो यार वैसे लक नहीं चल रही, वो जब से जो है उसने कोहली से हाथ में लाया है उस तब से जो है उसकी लक जो है ख़राब हुई हुई है, वो आउट हो गया। उसके बाद फिर फ़खर, यार फ़खर ने तो चबली मारी है कसम से ना, वो थोड़ा तेज़ भाग लेता, उसे क्या मसला बना हुआ था ना फ़खर को। बहरहाल जो भी है वो आउट होते गए, और फिर एंड के अंदर आके यार हमारी टीम ऐसी है हमें खुद नहीं पता ये टीम ना क्या कर देती है, चल जाए तो चांद तक, ना चले तो शाम तक। बिल्कुल चाइना के प्रोडक्ट की तरह ना बिल्कुल ऐसी अपनी टीम बनी पड़ी है इस वक्त, और ना कोई पता नहीं लगता जिसको प्रमोट कर रहे हैं वही आगे जो है प्रमोशन अपनी दिखा रहा है कि भाई मुझे अच्छा किया इस नंबर पे मुझे भेजा है, इन्होंने शदाब को भेजा, शदाब ने अच्छे जो है सिक्स वगैरह लगाए हैं, मैच उसने किया लेकिन वो फिनिश नहीं कर सका अनफॉर्चुनेटली। यार शदाब खान प्रेस कॉन्फ्रेंस में कह रहा था कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, हम हार्ट अटैक दे के लोगों को जो है ना वो करवाते हैं। यार बिल्कुल हार्ट अटैक की सिचुएशन बनी हुई थी, मैं मैच देख रहा था ना जब ये मैच फंसा हुआ था, मैं बैठा हूँ, मैंने साथ कहा, मैंने कहा भाई ब्लड प्रेशर वाली मशीन लगा लो, डिजिटल है वो लगा लो, उसके साथ जो है एक साइड पे कैल्सी रख लो, एक साइड पे जो है बीपी की गोली रख लो, इन केस बीपी हाई होगा तो क्या कहते हैं आपको गोली खा लेना, अगर बीपी का लो होगा तो कैल्सी पी लेना फौरन फौरन। भाई सब कुछ ज़्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी इस तरह की मैच की सिचुएशन बनी पड़ी थी ना। तो पहला जब छक्का उसने हिट किया है वो तो मैं नहीं छोड़ था कि छक्का ही नहीं छक्का, लेकिन जब से थोड़ी आगे गई है मैंने कहा छक्का है। दूसरी बॉल उसने जब हिट किया ना मैंने कह दिया, मैंने कहा छक्का है छक्का है। तो यार उस वक्त जो इमोशंस थे ना बता नहीं सकता, या जो क्रिकेट फ़ैन है या जिसने मैच देखा है ना सिर्फ वही समझ सकता है कि क्या इमोशन थे उस वक्त ना। तो भाई आय हाय मज़ा ही आ गया। ये दो छक्के, वो दो छक्के मुझे याद आ गए थे अफरीदी वाले जो उसने अश्विन को मारे थे ना एशिया कप के अंदर, वो छक्के मुझे याद आ गए थे। हम इंडिया वालों के साथ गले लग रहे हैं, वो हार्दिक आगे पीछे से उसे जब फिर डाल रहे जबान को, उनके साथ हम इतना कर रहे हैं तो यार तुम तो भाई हो गए, हम तुम्हें क्या कहते हैं रेफ्यूजी कैंप वगैरह दे रहे हैं, जो भी कर रहे हैं इमदाद वगैरह यहाँ पे आ रही है, अपनी बेसिस US को प्रोवाइड किए कि आप लोग आके जो है वहाँ से ख़त्म करो तालिबान वगैरह को, यार तुम लोग लड़ रहे हो या कमाल कर रहे हो। बाकी मुझे उस वक्त बहुत गुस्सा आया था, वो आसिफ की गलती नहीं थी, जिस एंगल से दिखाया जा रहा था वो आसिफ की गलती थी, लेकिन बाद में जब एनालाइज किया पहले पुश किया था फारूकी ने, देन जो है आसिफ ने अपना जो है एटीट्यूड वो जो भी है वो दिखाया था। तो यार जब छक्के लगे हैं ना तब इंडिया वालों के रिएक्शंस आपको देखने चाहिए थे। आकाश चोपड़ा के तो मुंह से बात नहीं निकल रही थी, हिंदी आप कमेंट्री देखें ना उसके मुंह से बात नहीं निकल रही आकाश चोपड़ा के, ये क्या हो गया क्या नहीं हुआ। तो बाकी जो फेसबुक वगैरह पे रिएक्शंस तो देखे होंगे, पाकिस्तान ने इंडिया को बाहर कर दिया, अफगानिस्तान को भी बाहर कर दिया और हम जो है फाइनल में पहुँच गए हैं। अब जो है ना इंशाल्लाह फाइनल भी अपने जीतना है। बाकी इस बार हमारी मिडिल ऑर्डर बैट्समैन जो है ना वो फिर एक बार फिर जो है ना क्लाइड की है बैटिंग, हमें इसके बारे में कुछ सोचना चाहिए। और आई थिंक श्रीलंका के ख़िलाफ़ कुछ चेंजेस करके ना
बेहतर होगा कि हैदर अली को इन कर लें, हसन अली को इन कर लें, क्योंकि वो स्क्वाड में आया तो उनका चलो एक बार देख सही कि वो कितने पानी में, और फिर जो है फाइनल के अंदर देखना क्या है क्या नहीं। तो यार अब फाइनल के अंदर पहुंच गए, अब उम्मीद करते हैं कि ना एशिया कप भी हम जीतेंगे। तो आज की फिर इस वीडियो के अंदर इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।